तो रेस्टिंग पीडीएफ फैमिली, जैसा आपने मंडे नाइट रॉ में देखा होगा कि कॉडी रोड्स का हाथ ब्रॉक लेसनर ने पूरी तरह से तोड़ दिया है, लेकिन इसके बाद भी कॉडी ने ट्रिपल एच को ऐसा बोला है कि वो नाइट ऑफ चैंपियंस में ब्रॉक लेसनर से फाइट करना चाहते हैं। तो क्या टूटे हुए हाथ के साथ कॉडी रोड्स ब्रॉक लेसनर से जीत सकते हैं, इस बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और रोमन रेंस के स्पेशल काउंसिल पॉल हेमन ने WWE यूनिवर्स को ये स्पॉइलर दिया है कि नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद रोमन रेंस के पास दो नहीं बल्कि चार बेल्ट्स हो जाएंगे और केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन को हराकर रोमन और सोलो यूनिफाइड टैग टीम चैंपियंस बनने वाले हैं। तो इन सब की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो WWE ने बैकलैश से एक नया कुछ स्टार्ट किया है, क्योंकि बैकलैश में भी WWE ने डबल मेन इवेंट अनाउंस किया था जिसमें बैड बनी का भी मैच मेन इवेंट में था और ब्रॉक और कॉडी का भी मैच मेन इवेंट था। और इस बार नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए WWE ने दो की जगह ट्रिपल मेन इवेंट्स रखा है और उसमें से एक मेन इवेंट है रोमन और सोलो सिकावा का सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के खिलाफ यूनिफाइड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और रोमन ने उनकी विक्ट्री जहां डेडिकेट की है उनके अपने फैमिली मेंबर को। वहीं केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ने ये बोल दिया है कि जब वो नाइट ऑफ चैंपियंस में रोमन और सोलो को हराएंगे तो वो अपनी विक्ट्री डेडिकेट करना चाहते हैं ब्लडलाइन के मेन पिलर यानी कि द उसोस को। पर इसके साथ साथ पॉल हेमन ने स्पॉइलर दिया है कि नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद रोमन और सोलो सिकावा यूनिफाइड टैग टीम चैंपियंस बन जाएंगे। और जैसा आप लोग जानते हो कि पॉल हेमन के स्पॉइलर 99% टाइम सही होते हैं, और क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियंस में रोमन रेंज को 1000 दिन कंप्लीट हो जाएंगे एज अ यूनिवर्सल चैंपियन, इसलिए अब इस बात के चांसेस बढ़ गए हैं कि रोमन और सोलो नाइट ऑफ चैंपियंस में जीत कर यूनिफाइड टैग टीम चैंपियंस बन सकते हैं। और उसके बाद उसोस का भी रिएक्शन देखने लायक होगा, क्योंकि जो टैग टीम चैंपियनशिप उन्हें चाहिए थी वो अब उनके अपने छोटे भाई सोलो और उनके कजन और ट्राइबल चीफ रोमन के पास आ जाएगी। वैसे क्या आप लोग नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद रोमन के पास चार बेल्ट्स देखना चाहते हो या फिर रोमन के पास दो ही बेल्ट्स काफी हैं? अपनी ओपिनियन कमेंट करके सबसे शेयर करें। तो जैसा आपने मंडे नाइट रॉ में देखा होगा कि ब्रॉक लेसनर ने बैकस्टेज में कॉडी रोड्स के ऊपर अटैक करके कॉडी का हाथ इंजर्ड कर दिया था, और ब्रॉक लेसनर ने उसके बाद ओपन चैलेंज रखा कि क्योंकि कॉडी रोड्स तो उनसे नाइट ऑफ चैंपियंस में फाइट नहीं कर पाएंगे तो कॉडी के बदले कोई और आए और ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करे नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए। लेकिन कॉडी अपने इंजर्ड हाथी के साथ आए और उन्होंने ब्रॉक से लड़ने का ट्राई भी किया, लेकिन ब्रॉक ने कमोरा लॉक देकर कॉडी का हाथ पूरी तरह से इंजर्ड कर दिया है। और फिर मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में ट्रिपल एच ने भी समझाने की कोशिश की कॉडी रोड्स को कि अगर वो नाइट ऑफ चैंपियंस में ब्रॉक लेसनर से फाइट करते हैं तो उसके बाद जैसे हेल इन अ सेल में फाइट करने के बाद पूरे पिछले साल कॉडी रोड्स फाइट नहीं कर पाए तो हो सकता है कि नाइट ऑफ चैंपियंस में फाइट करने के बाद कॉडी रोड्स फिर से फाइट नहीं कर पाए। लेकिन कॉडी ने साफ साफ बोल दिया है कि वो ब्रॉक लेसनर से फाइट करेंगे किसी भी हालत में, और क्योंकि कॉडी का हाथ इंजर्ड है इसलिए अब इस मैच में जीतने के ज्यादा चांसेस ब्रॉक लेसनर के हो गए। और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि WWE ब्रॉक और कॉडी का मैच तीसरी बार भी करवाएंगे, तो इसलिए इस मैच में ब्रॉक का जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बाद दोनों के पास एक एक विन होगा और तीसरा मैच इनका फ्यूड खत्म करने के लिए समर स्लैम में हो सकता है। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।